हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप किसी भी हिंदी वाक्य को संस्कृत में कैसे अनुवाद कर सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम में ये तो तय है कि 100% इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और बहुत ही ईजी है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद किसी भी हिंदी वाक्य को संस्कृत में बना सकते हो। तो इसके लिए हमने कल रूप याद किए थे और आपको भी याद होंगे, तो आप आसानी के साथ इसको बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ही, अगर आप बहुत ही इसे टफ समझ के पढ़ोगे तो आप कभी नहीं समझोगे, लेकिन अगर आप इसे इजी समझ के पढ़ोगे तो बहुत ही आसानी के साथ आपको संस्कृत में अनुवाद करना आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको तीन ये याद होना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट है आपका शह तौ ते, दूसरा है त्वम युवाम युवम अहम अवाम वयम। इसका अर्थ क्या होता है तो ये भी बताते चलती हूँ। स का अर्थ होता है वह, तौ का अर्थ होता है वह दोनों या फिर वे दोनों, ठीक। ते का होता है वे सब या फिर वे सब होता है। फिर होता है त्वम का, तो त्वम का होता है तुम। युवाम का होता है तुम दोनों, और युवाम का हो जाता है तुम सब। अहम का होता है मैं, अवाम का होता है हम दोनों, और वयम का होता है हम सब। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए पूछा जाए कि जैसे कि तुम दोनों पढ़ो, ठीक, तुम दोनों पढ़ो, तो अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि तुम दोनों पढ़ो का, तुम दोनों का संस्कृत में क्या कहते हैं, तब तक आप संस्कृत में अनुवाद नहीं कर पाओगे। पढ़ो को चलो मानते हैं आपको आता होगा, बट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तुम दोनों, हम सब, मैं, या फिर इन सब का संस्कृत में क्या होता है, ठीक। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जैसे मैं नीचे लिख भी दी हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि वह होता है, वे दोनों होता है, वे सब होता है, तुम का तुम होता है, युवाम का तुम दोनों होता है, युवाम का तुम सब होता है, ठीक है, अहम का मैं होता है, अवाम का हम दोनों होता है, हम सब का होता है वयम, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये कि स्त्रीलिंग में, जैसे कि हमने कल पूछा भी था, ठीक, बहुत सारे मैक्सिमम ने इसका आंसर भी दिया था, बहुत बढ़िया, कि पूछा था मैंने कल के वीडियो में कि वह पढ़ता है का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, तो बहुत ही अच्छा आंसर आया था, सह पठती। तो चलिए यही एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए, मैं सभी विस्तार से बताऊंगी क्या पूरा नियम रहता है, बट एक बार ऐसे ही बता दूं, जैसे कि आपका दूसरा है, कल पूछी थी सह वाला, तो आज पूछती हूँ तऊ, तो हो जाएगा कि वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों पढ़ते हैं, और इसका हो जाएगा कि तुम दोनों पढ़ते हो, और आवाम का हम दोनों पढ़ते हैं, ठीक। इन तीनों का संस्कृत में अनुवाद कैसे होगा, फर्स्ट है आपका कि तुम दोनों पढ़ते, नहीं, वे दोनों पढ़ते हैं, ठीक, तो वे दोनों पढ़ते का हो जाएगा आपका तौ पठता, ठीक, क्या होगा, तौ पठत। दूसरा है आपका कि तुम दोनों पढ़ते हो, तो इसका हो जाएगा कि युवाम पठत। हम दोनों पढ़ते हैं, तो इसका हो जाएगा आवाम पठावा। अब बताइए इसमें कहाँ, क्योंकि सबसे पहले आपको अगर धातु रूप याद होगा तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को आसानी के साथ आप संस्कृत में अनुवाद कर सकते हो। अब सोच रहे हो ते का क्या अर्थ होगा, युवम का क्या होगा, वयम का क्या होगा, तो ते का हो जाएगा कि वे सब पढ़ते हैं, तो इसका हो जाएगा कि ते पठंती। युवम का कि तुम सब पढ़ते हो, तो इसका हो जाएगा युवम पठत। वयम का हम सब पढ़ते हैं, तो इसका हो जाएगा वयम पठामा, ठीक। जैसे कि तुम का हो जाएगा कि तुम पढ़ते हो, तो इसका हो जाएगा कि तुम पठसी। मैं पढ़ता हूँ, तो इसका हो जाएगा कि अहम पठामी। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ मैं एक बात बता दूँ, अगर यही आपका हो जाए कि वह पढ़ती है, तो आप ऐसे थोड़ी ना कह सकते हो कि सह पठती, बिल्कुल गलत हो जाएगा, वहाँ आपका होगा सा पठती, ठीक है। तो जैसे कि आपका दूसरा हो जाएगा कि वे दोनों पढ़ती हैं, ठीक, वे दोनों पढ़ती है, तो इसका हो जाएगा कि ता पठत, ठीक। फिर हो जाएगा कि वे सब पढ़ती है, तो हो जाएगा आपका ताह पठंती। तो इस तरीके से आपका स्त्रीलिंग में हो जाता है सा ते ता।
तो जैसे नीचे हम स्क्रॉल करते हैं और सब कुछ मैंने लिखा है, ठीक है, जैसे यहाँ आप देख सकते हो इस स्त्रीलिंग में हो जाता है सा ते ता। और सबसे पहले तो आपको मैंने कल पट धातु में बताया था और सभी रूप जैसे पट का आपको याद हो गया तो आप आसानी से किसी भी रूप को आसानी से बता सकते हो, जैसे गम भू नीपा हस्दृश्य नम, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो रूप की जानकारी होना चाहिए और आसानी से आप किसी भी संस्कृत को अनुवाद कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले तो पांच लकारों में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ेगा, वह पढ़ा, उसे पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ो, ये सब आपके पांच काल होते हैं। ठीक, लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं, लिट लकार को भविष्य काल कहते हैं, लंग लकार को भूतकाल कहते हैं, लोट लकार को अज्ञकाल कहते हैं और विधि लिंग को इच्छार्थक, मतलब इच्छा वाले सत्य, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए, ये सब विधि लिंग में आ जाते हैं। तो चलिए ये पता चल गया। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि संस्कृत में अनुवाद एक वचन तीनों में, क्योंकि आपका ये और ये तीनों में क्या होता है, तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसमें भी होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। इसमें भी तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए स दिया है, ठीक, और यहाँ क्या है, पठति। तो देखिए कैसे अनुवाद होता है, बहुत ही अच्छे से मैं बताने वाली हूँ। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि वह पढ़ता है, ठीक है, वह पढ़ता है, तो आपका हो जाएगा सह पठति। ठीक, तो यहाँ जब यहाँ एक है, एक नंबर पे प्रथम 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 पुरुष है और यहाँ भी प्रथम पुरुष है, वह पढ़ता है, तो हो जाएगा सह पठति। लेकिन अगर यही ये स्त्रीलिंग भी कि वह पढ़ती है, तो हो जाएगा सह सा पठति, ये हो जाएगा। अब देखिए इसका और इसका यूज कहाँ होगा, तो देखिए ये दो नंबर पे है कि वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, तो हो जाएगा कि तौ पठत। जैसे दो नंबर पे यहाँ, तो यहाँ भी पठत का यूज होगा। अब होगा कि वे सब पढ़ते हैं, तो हो जाएगा ते पठंती। ठीक, तो इसका एक वचन में अगर होगा, ठीक है, एक वचन में होगा तो एक वचन का ही रूप लगेगा। वे दोनों पढ़ते हैं तो द्विवचन का, ये द्विवचन है तो ये भी द्विवचन लगेगा। वे सब पढ़ते हैं तो इसका भी यूज होगा। स्त्रीलिंग का मैंने बता दिया कि वे पढ़ती है, तो हो जाएगा सा पठती। वे दोनों पढ़ती है तो हो जाएगा कि ते पठता। फिर वे सब पढ़ती है तो हो जाएगा ता पठंती। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ त्वम का मतलब क्या होता है, तुम। युवम का मतलब क्या होता है, तुम दोनों। युवम का मतलब क्या होता है, तुम सब। ठीक, अब पठसी पठता पठता, तो पठसी पठता पठत का कब प्रयोग किया जाता है, जब तुम हो तो पठसी का, तुम दोनों हो तो पठता का, तुम सब हो तो पठत का। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि तुम पढ़ते हो, ठीक है, तुम पढ़ते हो, ये वर्तमान काल है, अभी मैं बताऊंगी। जैसे मान लो तुम पढ़े, तुम पढ़ोगे, तो इसका कैसे बनाओगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम स्टेप बाय सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी हम वर्तमान काल मतलब कि लट लकार में बातें कर रहे हैं। ठीक, तो तुम पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा, तुम पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा, युवाम पठत। फिर होगा तुम सब पढ़ते हो तो हो जाएगा युवाम पठत। अब देखिए मैं की बात कर लेते हैं, तो अगर मैं होगा तो पठामी होगा, हम दोनों होगा तो पठाओ होगा, और हम सब होगा तो पठामा होगा। मतलब अहम का मैं होता है, हम दोनों का अवाम होता है, और हम सब का वयम होता है। मतलब मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठाम, हम दोनों पढ़ते हैं तो अवाम पठाओ, हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठाम। आई थिंक बहुत ही ईजिली तरीके से आपको याद हो गया होगा, ये मुझे पता है। अब चलिए देख लेते हैं वर्तमान काल, ठीक है, भविष्य काल, भूतकाल, आज्ञा वाले शब्द, इच्छा मतलब जो इच्छा वाले शब्द होते हैं वो वाक्य। ठीक, तो चलिए स्टेप बाय, और बहुत ही ईजी है, जैसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि वे सब जाएंगे तो इसका क्या होगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वे सब का अर्थ क्या होगा। ठीक, तो वे सब का अर्थ होगा ते, तुम सब का अर्थ होगा युवम, और हम सब का अर्थ होगा वयम। अब देखिए क्या है, वे सब जाएंगे तो हम किसका यूज करेंगे, ते का। अगर रहता तुम सब तो युवम का, हम सब का तो वयम का। जाएंगे मतलब जाएंगे, क्या है, भविष्यकाल, फ्यूचर है, और
ये आपका रिट लगा रहे, ठीक। तो अगर आपको रूप याद होगा तो आप आसानी से इसको बता सकते हो, जैसे कि क्या है आपका भविष्यकाल है, कौन सा पुरुष है तो प्रथम पुरुष है, कौन सा वचन है तो बहुवचन है। अब देखिए आपका क्या होता है, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, तो क्या हो जाएगा, ते पठिष्यन्ति, या अब मान लीजिए वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ेंगे, बट हमारा जो वाक्य था कि वे सब जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गमिष्यन्ति, ठीक, क्या होगा, गमिष्यन्ति, तो ते गमिष्यन्ति, तो ये आपको याद होना चाहिए। आई थिंक आपको याद भी हो गया होगा, तो हो जाएगा कि एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ, ते गमिष्यन्ति। अगर वही रहता कि तुम शब पढ़ोगे, ठीक, तो ये भी आपका भविष्यकाल है, तो आप कह सकते हो कि युवम गमिष्यत, ठीक है, गमिष्यत। केवल और केवल आपको मैंने कहा था लास्ट का याद करना है, और रहेगा हम सब पढ़ेंगे, तो हो जाएगा आपका वयम गमिष्यामः, क्या हो जाएगा, वयम गमिष्यामः। क्लियर हो गया। अब चलिए पांचों लकारों को देख लेते हैं कि कैसे कैसे वाक्य को संस्कृत में बनाया जाता है। तो जैसे कि सबसे फर्स्ट है वर्तमान काल, ठीक है, जैसे एक ही वाक्य लिया है कि आपको याद हो जाए। आप मैं यहाँ ये भी कर सकती थी कि मैं पढ़ती हूँ या फिर मैं पढ़ता हूँ, तो वह पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, सह पठति, वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ पठति। अगर मान लीजिए यही हो कि मैं पढ़ता हूँ तो क्या होगा, आप खुद बताइए कि मैं पढ़ता हूँ, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए, मैं दूसरा बताऊँगी कि दूसरा है कि वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ पठत। अब रहेगा कि हम दोनों पढ़ते हैं तो क्या होगा, तौ। तो जैसे कि हम कह रहे हैं कि हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों पढ़ते हैं तो हम दोनों, आपका अहम का जो रूप है मैं, हम दोनों, हम सब, तो क्या होता है, अहम, आवाम और वयम, तो क्या है, हम दोनों, तो हो जाएगा आपका अहम, आवाम, आवाम और आपका पठति का जो पठ धातु का है वो उत्तम पुरुष और द्विवचन का क्या है, पठाव, तो हो जाएगा आवाम पठाव, मतलब हम दोनों पढ़ते हो तो इसका हो जाएगा आवाम पठाव। आपको ये बताना है कि मैं पढ़ता हूँ, ठीक, तो मैं पढ़ता हूँ क्या होगा, तो चलिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि तो हो जाएगा मैं का होता है अहम, ठीक, और पढ़ता मतलब आपका होता है पठामी, तो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामी। क्लियर हो गया। तो बस ऐसे ही वाक्य बनते हैं, बहुत इजी है, वे सब पढ़ते हो तो हो जाएगा ते पठंती। अब रहता कि हम सब पढ़ते हैं, तो जैसे कि यही आपका रहता कि हम सब पढ़ते हैं, ठीक, तो हम सब पढ़ते हैं, तो आपका मैं का होता है मैं, हम सब, हम दोनों, हम सब, तो इसका हो जाता है अहम, आवाम, वयम, तो हम सब का हो जाएगा वयम, ठीक, और ये किसका है, उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो फिर हम पठ धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन देखेंगे तो क्या होता है, ये आपका जो पठन्ति है ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो इसलिए जो आपका हो जाएगा पठामी पठाव पठाम, तो यहाँ आपका हो जाएगा वयम पठाम, ठीक, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए भविष्यकाल, वह पढ़ेगा तो हो जाएगा सह पठिष्यति, वे दोनों पढ़ेंगे, तौ पठिष्यति, वे सब पढ़ेंगे तो ते पठिष्यन्ति। उसके बाद भूतकाल, वह पढ़ा मतलब बीत चुका है, श अपठत, केवल और केवल आपको बस वही जिस लाइन का एक वचन तो इसमें भी एक वचन, द्विवचन होगा तो इसमें भी द्विवचन होगा, बहुवचन होगा तो इसमें भी बहुवचन होगा, बस केवल आपको ये ध्यान देना है और आप आसानी से इसको कर सकते हो। ये दोनों पढ़े तो तौ अपठताम, वे सब पढ़े तो ते अपठन, फिर विधिलिंग उसे घर जाना चाहिए, मतलब इसमें चाहिए के लिए, ठीक, तो सह गृह गच्छति, फिर है कि हम सबको बोलना चाहिए तो वयम बदेव, ठीक, क्योंकि हम सब, तो हम सब है तो वयम लगेगा, और बोलना का भी उत्तम पुरुष बहुवचन ही लगेगा। अब लास्ट है आपका लोट लकार, तो जैसे कि आपका पांचवा है, इसमें क्या दिया जाता है, आज्ञा दिया जाता है कि तुम पढ़ो तो हो जाएगा कि तुम पढ़े, तुम दोनों पढ़ो तो हो जाएगा युवाम पठे तम, तुम सब पढ़ो तो युवाम पठे, तो ये थे कुछ नियम जो आपको पता होना चाहिए, और एग्जाम में एक से दो प्रश्न इसे पूछता है तो आप आसानी से कर सकते हो। तो बस आपको पता होना चाहिए रूल और नियम, इसमें ज़्यादा आपको मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ये केवल एक बार देख लो क्या पूरा नियम है, और एक बार रूप को देख लो, कल हमने डिस्कस किया था इतना अच्छे से, और आपको क्या करना, अगर
ऐसे रहेंगे तो फिर भूल जाएंगे, आपको डेली रिविजन करना होगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि विभक्ति और वचन के बारे में वीडियो बनाइए, तो हम अगली वीडियो में इसी पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।